बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामुअलैकुम। बीएस मैथमेटिक्स 8 सेमेस्टर्स के स्टूडेंट्स का आज लेक्चर नंबर 8। हम लोग जो है वो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथीसिस जो है वो डिस्कस कर रहे थे। आज के लेक्चर का टॉपिक भी हमारा जो है वो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथीसिस है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो उसको देखा था, उसको डिस्कस किया था। आज जो है वो हम लोगों ने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस टेस्टिंग ऑफ हाइपोथीसिस के किस तरह से सॉल्व करने हैं इसके बारे में जो है वो डिस्कस करना है। तो सबसे पहले जो हम टेस्टिंग करते हैं वो है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथीसिस अबाउट पॉपुलेशन मीन अ लार्ज सैंपल्स। ठीक है जी, अगर हम लोगों ने कोई पॉपुलेशन जो है वो मीन फाइंड किया और उसका सैंपल साइज हमारा 30 से अबव है, 30 है या 30 से अबव है, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या प्रोसीजर जो है वो टेस्ट के लिए अप्लाई करना है उसको देखते हैं। टेस्ट प्रोसीजर जो हमारा होगा, जो हम अडॉप्ट करेंगे, उसमें सबसे पहले जो है वो हम लोग स्टेट द फर्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टेट द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथीसिस। सबसे पहले और बेसिक, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो हमारा पहला स्टेप है। इस स्टेप में हम लोगों ने क्या करना होता है कि अपनी नल और अल्टरनेटिव हाइपोथीसिस को स्टेट करना होता है, यानी कि इनको लिखना होता है, सेट करना होता है। नल हाइपोथीसिस जो है उसमें आप लोगों को पता है कि इक्वालिटी का साइन जो है वो आता है हमेशा, यानी कि म्यू पॉपुलेशन मीन इक्वल टू म्यू नॉट। म्यू नॉट क्या है, जो आप लोगों का पॉपुलेशन का मीन आएगा न्यूमेरिक फॉर्म में उसको आपने यहां पर अप्लाई करना है। इन तीनों में से तीनों सिचुएशन सेम टाइम पर नहीं आएगी, इन तीनों में से कोई एक जो है वो सिचुएशन आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं एक वक्त में। उसके बाद एच नॉट म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट, एच नॉट म्यू लेस देन इक्वल टू एच नॉट जो है म्यू नॉट। उसके बाद अल्टरनेटिव हाइपोथीसिस एच वन म्यू नॉट इक्वल टू एच नॉट म्यू नॉट, एच वन म्यू लेस देन म्यू नॉट, एच वन म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट। यानी कि अल्टरनेटिव हाइपोथीसिस में इन इक्वालिटी का जो है वो साइन हमेशा आएगा। अगर आपका नल हाइपोथीसिस जो है वो इक्वल है पॉपुलेशन मीन के, तो अल्टरनेटिव जो है वो नॉट इक्वल हो जाएगा। और अगर नल हाइपोथीसिस ग्रेटर देन इक्वल है पॉपुलेशन मीन के, तो अल्टरनेटिव जो है वो लेस देन हो जाएगा पॉपुलेशन मीन के। और थर्ड सिचुएशन, अगर आपका नल हाइपोथीसिस जो है वो उसका पॉपुलेशन मीन जो है वो लेस देन है, लेस देन इक्वल है, ठीक है, तो इसी तरह से आपका अल्टरनेटिव हाइपोथीसिस जो है वो पॉपुलेशन मीन से जो है वो ग्रेटर हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसमें आप लोगों ने जो है वो देखना होता है कि हम अपना जो है वो हाइपोथीसिस किस तरह से सेट करें अल्टरनेटिव और नल को। उसके बाद सेकंड जो, चूज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा। अल्फा हम लोगों ने चूज करना होता है कि हम 5% अल्फा रख रहे हैं, 10% रख रहे हैं, कितने परसेंट रख के इसको हमने टेस्ट करने। उसके बाद थर्ड स्टेप जो है वो टेस्ट स्टैटिस्टिक। इसमें हम लोगों ने अपना फार्मूला जो है वो डिसाइड करना होता है। ठीक है जी, जी इज इक्वल टू सैंपल मीन माइनस म्यू नॉट पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय सिग्मा डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर रूट। ये टेस्ट स्टैटिस्टिक कब अप्लाई करेंगे, व्हेन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज नोन। यानी कि अगर आपको पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो फिर जो है वो हम अपना जो है ये वाला टेस्ट स्टैटिस्टिक अप्लाई करेंगे। और अगर हमें जो है वो व्हेन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज नॉट नोन, तो फिर जी इज इक्वल टू सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर रूट। ठीक है जी, अगर हमें पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है तो हम फिर सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करेंगे। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो क्रिटिकल रीजन,
फोर्थ स्टेप जो होता है हमारे पास क्रिटिकल रीजन होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट और फोर्थ स्टेप जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी सूरत में इन दोनों स्टेप को यूज़ करके हम लोगों ने अपना लास्ट स्टेप यानी कि कंक्लूजन को जो है वो डिफाइन करना होता है। तो क्रिटिकल रीजन को देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ है। Z mod greater than Z alpha by 2 if alternative hypothesis mu not equal to mu not। ये critical region जो होता है, ये तीनों situations का जो है मैंने लिखा हुआ है। ये critical region जो है वो हम alternative hypothesis को देख कर जो है वो बनाते हैं, यानी कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अगर म्यू नॉट इक्वल टू म्यू नॉट है तो फिर हम लोगों ने यहाँ पर ग्रेटर का साइन यूज़ करना है। अगर अल्टरनेटिव में पॉपुलेशन मीन जो है वो लेस है तो फिर लेस का साइन आ जाएगा, अगर ग्रेटर है तो फिर ग्रेटर का साइन आ जाएगा। जी यहाँ पर ये वाला जी जो है फर्स्ट जी, ये आपके पास आएगा टेस्ट स्टैटिस्टिक से, जो भी वैल्यू आएगी उसको आपने यहाँ पर अप्लाई करना है। उसके बाद जी अल्फा बाय अल्फा जो है वो हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को आपने 2 से डिवाइड करना है और उसको डिवाइड करने पर जो भी वैल्यू आएगी उसको जी के टेबल में देखना है। स्टैटिस्टिकल टेबल जो है वो नेट पर काफ़ी अवेल है, नहीं तो आपको जो बुक जो है वो लगवाई है उसकी लास्ट पर जो भी हमारे पास जो है वो जी के टी के जो है वो सारे टेबल जो है वो बने हुए हैं, वहां से आप इसकी वैल्यू जो है वो देख सकते हैं। देखने के बाद अगर ये सिचुएशन जो है फुलफिल हो रही है तो उसके ऊपर भी जो है वो इस तरह से आप लोगों ने फुलफिल हो रही है तो आपने अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देना है, अगर नहीं फुलफिल हो रही तो उसको एक्सेप्ट कर लेना है। इस तरह से ये तीनों सिचुएशन जो है यहां पर लिखी हुई है। उसके बाद पांचवा स्टेप जो है कैलकुलेशन ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, पांचवें स्टेप में हम लोगों ने टेस्ट स्टैटिस्टिक को कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। जो हम लोगों ने फार्मूला यहां पर लिखा है उसको हम लोगों ने जस्ट कैलकुलेट करना है। और सिक्स स्टेप जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लोगों ने कंक्लूजन है ये, इफ कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ जी लाई इन द क्रिटिकल रीजन रिजेक्ट एच नॉट, यानी कि नल हाइपोथीसिस को रिजेक्ट कर देना है। अगर हमारे पास Z की वैल्यू जो है वो क्रिटिकल रीजन में लाई कर रही है इस सूरत में, और अगर लाई नहीं कर रही तो फिर हम जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे H1 को, ठीक है जी। और रिजेक्ट होगा H नॉट एंड एक्सेप्ट हो जाएगा हमारे पास अल्टरनेटिव, और अगर लाई नहीं कर रही तो एक्सेप्ट करेंगे नल को और रिजेक्ट करेंगे अल्टरनेटिव को, ये हमारा जो है वो कंक्लूजन होगा, ठीक है जी। इसके बाद टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन मीन फॉर स्मॉल सैंपल साइज, अगर हमारे पास सैंपल साइज जो है वो 30 से बिलो है तो इस सिचुएशन में हम जो है वो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस किस तरह से करेंगे, इसका टेस्ट प्रोसीजर देख लें। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो स्टेट द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, एच नॉट जो है वो सेम उसी पैटर्न पर और एच वन भी हम सेम उसी पैटर्न पर जो है वो अपना स्टेट कर लेंगे, बना लेंगे। चूज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जितने लेवल पे हम लोगों ने उसको जो है वो टेस्ट करना है। उसके बाद टेस्ट स्टैटिस्टिक थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, टी जो है जी की जगह पर टी आ जाएगा, स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन, टी इज इक्वल टू सैंपल मीन माइनस म्यू नॉट पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय स्मॉल एस और डिवाइडेड बाय एन और सारे का स्क्वायर रूट। ये हम लोगों ने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यूज करनी है। फोर्थ स्टेप जो है वो क्रिटिकल रीजन भी जो है हमारा चेंज हो जाएगा, जी की जगह पर टी आ जाएगा और 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां पर आ जाएगी, ठीक है जी। ये भी हम लोगों ने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को देखकर जो है वो अपना क्रिटिकल रीजन जो है वो बनाना है। न्यू जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम है हमारे पास एन माइनस वन, टी मॉड यानी कि टी मॉड आप लोगों ने लेना है ग्रेटर देन टी अल्फा बाय 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम इफ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नॉट इक्वल टू पॉपुलेशन मीन, ठीक है जी।
तो इस तरह से आप जो है अपना क्रिटिकल रीजन भी जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद कैलकुलेशन है पांचवें स्टेप में टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की, यानी कि जो फार्मूला हम ऊपर पढ़ के आए हैं उसको हमने कैलकुलेट करना है। और सिक्स में कंक्लूजन है, इफ कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी लाई इन द क्रिटिकल रीजन रिजेक्ट नल हाइपोथीसिस एंड एक्सेप्ट अल्टरनेटिव, अदरवाइज एक्सेप्ट नल हाइपोथीसिस एंड रिजेक्ट जो है वो अल्टरनेटिव। ठीक है जी, तो हम लोगों ने ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर सेम इसी पैटर्न पर जो है अप्लाई करना है। उम्मीद है कि आपको इसकी जो है वो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।